So it's 5 in the morning and we both are ready to go to Dehradun. Harshil जो है वो पहली बार जा रहा है बाइक राइड से कहीं पर भी, मतलब बाइक राइड पहली बार कर रहा है वो दिल्ली से बाहर, तो एक्साइटेड है बिल्कुल. तो मेरे बैग रेडी है, हेलमेट रेडी है, एक और बैग और हर्षिल का सामान, हेलमेट्स, एवरीथिंग इज रेडी एंड यस वी आर गुड टू गो. सो रेडी टू गो, पैक माय ऑल थिंग्स. इसके अंदर है रात में पता नहीं दिख रहा है कि दिख रहा एंड बम बोले नॉट, लेट्स लीव. कंडीशंस आर पैथेटिक हैं, बहुत ट्रैफिक तो हमें नहीं मिला लेकिन रोड इतनी ख़राब है कि स्पीड बढ़ नहीं पा रही है बिल्कुल भी. ओके लेट मी गो, मेरे को जाने दो. मेरठ केवल 20 से 25 किलोमीटर रह गया और अभी हम इधर पहुंच चुके हैं. हर्षिल को थोड़ी ठंड ज़्यादा लग रही है, तो चेहरा देखो मेरा कदा ठंड बहुत है. वाह पता नहीं कितना, मतलब चले गया था टेम्परेचर काफ़ी डाउन गया जब हम ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, स्टिल वी आर गुड. हर्षिल स्टिल गुड. Yes. Oh, so we have stopped in this hotel रेस्टोरेंट जिसका नाम है ग्रीन प्लाजा एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 126 किलोमीटर्स एंड हर्षिल इज क्लिकिंग सम फोटोज. हियर आर अवर बाइक एंड एवरीथिंग. वी आर जस्ट हैविंग सम कॉफी एंड देन वी लीव. टिल नाउ इट्स वेरी गुड. ठंड थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है. देयर इज सनराइज. साइन बोर्ड इज करेंटली शोइंग कि हमें देहरादून पहुंचने में कि जो किलोमीटर्स बचे हैं वो है 71. तो यानी द नेक्स्ट स्टॉप वुड बी रुड़की और रुड़की से पहले पहले या रुड़की के अंदर एंटर करने तक हम लोग कुछ ना कुछ खाने के लिए रुक सकते हैं, मे बी पराठे और एनीथिंग. पता नहीं लेकिन साइन बोर्ड का थोड़ा सा यहाँ लोचा है भाई, आगे देखते हैं फिर बताऊँगा कि क्या लोचा है. लोग रुके हैं कुछ पराठे वराठे खाने के लिए. हर्षिल इज सिटिंग देयर, थोड़ा सा थक गया है वो. तो हम लोग ने जस्ट क्रॉस किया था आपका रुड़की. रुड़की के बाद मैं सहारनपुर वाली रोड पे हूँ. सहारनपुर वाली रोड पे हमने ये ढाबा देखा था तो हम यहाँ पर रुके. नाउ वी गोइंग टू हैव सम पराठा एंड देन वील कंटिन्यू. स्टिल वी आर गोइंग वेरी गुड. मुजफ्फरनगर से
रुड़की तक का रास्ता बस ओके, लेकिन रुड़की से इधर तक आने सहारनपुर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, अराउंड 2 घंटे लग गए, जितने में मैं बहुत किलोमीटर्स कवर कर सकता था, लेकिन चलो इट्स ओके, पराठे खा लेते हैं। पहाड़ियाँ देहरादून की स्टार्ट होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी पहाड़ियाँ नहीं है लेकिन नॉर्मल सी पहाड़ियाँ है, तो हम लोग उधर बस एंटर कर लिया है, थोड़ा सा ऊपर ही गया और हर्षिल है, हर्षिल को थोड़ी देर का ब्रेक चाहिए था इसलिए हम इधर रुके हुए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यार, फन फुल पावर फन हो रहा है, चल देखते हैं हम कितने घंटे में पहुँचते हैं देहरादून बिल्कुल सिटी में, टिल देन चलो देखो पहाड़ कैसे होते हैं, जल्दी से दिल्ली में बैठे बैठे मजा नहीं आएगा, देखो पहाड़ कैसे होते हैं। ये जो मंदिर है, जो मंदिर आप सब लोग देख रहे हैं, वेन एवर यू आर क्रॉसिंग दिस तो आपको यहाँ पर अपना सर टेकना चाहिए। मैं ऑलरेडी देहरादून में रह चुका हूँ तो मुझे इतना पता है कि आपको यहाँ पर सर टेकना चाहिए, उसके बाद एक टनल आता है। अब पता नहीं, बहुत टाइम से मैं इधर आया नहीं हूँ, मुझे टनल के बारे में पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना सर टेक के आगे बढ़ना चाहिए, आई विल जस्ट डू दैट। तो जिस टनल के बारे में बात कर रहा था वो टनल आपको अब दिखेगी, एंड आई विल बी एंटरिंग इनटू दैट टनल। फाइनली यही एंट्री है देहरादून की, वेलकम टू देहरादून। यो बॉय, दिस इज परफेक्ट व्यू, आप सब देख सकते हो क्या मस्त सीनरी है, दोनों तरफ पेड़ है और बीच में रोड। अगर आपको ये सब चीज़ देखनी है तो यू शुड विजिट देहरादून। देहरादून आने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बाइक राइडिंग करना ज़रूरी है, दिल्ली से एवरी आवर बस चलती है रॉयल क्रूज़र, मेरी आपने वीडियो जब देख रहे हैं तो उसमें पिछले उसमें देखा होगा आपने कि रॉयल क्रूज़र एक ब्लू कलर की बस गुजर रही थी, तो उसका टिकट अराउंड 1000 रुपीज़ है, सीज़न के उसे डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है, लेकिन यू शुड विजिट देहरादून। मैं ज़्यादा जगह आप लोगों को देहरादून में नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरे को कुछ रीज़न की वजह से देहरादून से जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा, मे बी मैं आज रात को ही रुकूँ और कल मेरे को दिल्ली वापस जाना पड़ सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहुत चांसेस है कि मैं चले जाऊँ। तो चलो अब देहरादून में एंट्री कर लिया, तो थोड़ा सा एक मेरी फेवरेट जगह है जहाँ पर मैं ज़रूर जाता था खाने के लिए, वहाँ के बर्गर और वो सब चीज़ें बहुत फेमस है, तो मैं आपको आज वहीं लेके जाऊँगा, चलो आज वीडियो देखो फिर मेरी। रीच्ड देहरादून अराउंड 1 o'clock, देन वी वर जस्ट रोमिंग अराउंड एंड हैविंग अवर फूड, एंड नाउ द टाइम इज 7:43 एंड वी आर गोइंग आउट, और देखते हैं कुछ अगर मिलता है तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये इधर है, कैमरा रेडी है इसका भी।
into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, something nice or street food, visit this place or shake fry kare, burger khaye, patties khaye. Baki normal street food se thoda better hai aur thoda oily nahi hai, thoda oily matlab thoda oily ho sakta hai, par still it's better, like you'll find different taste. So I am staying, there's a hotel called Hotel Comfort. I am staying in this hotel and I got a accommodation of rupees 500 only. 500 रुपये का मेरे को यहाँ पर रूम मिला है और यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा है, तो मैं आपको उनके स्टाफ से मिला देता हूँ, बाकी का बता देंगे आपको कि कहाँ पर है ये. कैसे हो भैया, थोड़ा बता दो भैया अपने होटल के बारे में, कहाँ पर है होटल? होटल कंफर्ट देहरादून. ये तीनों के तीनों है भाई, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप इन तीनों में से किसी से भी ये रूम बुक कर सकते हैं. जी जी, ठीक है, थम्स अप बोल दो. सो गुड मॉर्निंग गाइस, ये नेक्स्ट डे है और मॉर्निंग में अभी टाइम हो रहा है अराउंड 5 एंड वी गाइस आर गेटिंग रेडी, देन वी लीव. और आज हम जा रहे हैं, गेस कर लो, आसपास ही जगह जा रहे हैं. अच्छा ठीक है, बता देता हूँ, आज हम जा रहे हैं